हाय एवरीवन। तो अक्सर हमारे यहाँ रोटियाँ बची जाती हैं, तो बची हुई रोटियों से आज हम बहुत ही टेस्टी सा और यूनिक सा नाश्ता बना करके तैयार करेंगे। बनाने में आसान है और इस एक नाश्ते से आप कई तरीके के नाश्ते बना करके भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये दो चपाती ले ली हैं, हालांकि ये बची हुई नहीं है, मेरे पास फ्रेश रोटियाँ ही रखी थी तो मैं उसी से बना रही हूँ। फ्रेश से भी बना सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बचे तभी आप ये रोटियाँ बनाएंगे, ये वाला नाश्ता बनाएंगे। फ्रेश रोटियों से भी, और ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है क्योंकि हम लोग चपाती से बनाने वाले हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने दो ग्लासेस ले लिए हैं, तो ग्लासेस की जगह आप कटोरियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हम अपनी रोटी को इस तरह से ग्लास के ऊपर रैप करेंगे। ये देखिए, ग्लास के ऊपर हमने कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाया है, सिंपली आपको डायरेक्टली रोटी को इस तरह से रैप करना है। रोटियों पर अपना घी लगा हुआ होता है तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे भी ये पकी हुई है पहले से ही तो आपको इनको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ग्लास पर बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। अब हमने एक थ्रेड ले लिया है, कोई भी आप मोटा सा धागा ले लें और उसको हम इस तरीके से रैप कर देंगे रोटी को और उसको बांध देंगे धागे से, जिससे कि वो बिल्कुल भी खुलेगी नहीं और एकदम प्रॉपर शेप में आ जाएगी। तो जिस तरीके से मैंने इसको फोल्ड्स की तरह बना दिया है, यानी कि थोड़ी थोड़ी प्लीट्स इसमें बन रही हैं रोटियों पर, तो वो बनने दे, बहुत ही बढ़िया लगेंगी, वो दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है। और देखिए, इस तरह से टाइट करते हुए हमने इसको डबल कांटे लगा करके बांध दिया है। ये देखिए, बिल्कुल भी खुले नहीं, इस तरीके से आपको इसको बांध देना, एकदम रैप कर दिया है। ये देखिए, बहुत ही परफेक्टली रैप हो गई है, साइड्स में कुछ कुछ प्लीट्स भी आपको नजर आ रही हैं, बहुत ही बढ़िया लगती हैं ये। तो चलिए, दोनों ही ग्लासेस हम इस तरीके से तैयार कर लेते हैं। तो मैंने दोनों ही चपातियों को ग्लासेस के ऊपर रैप करके तैयार कर दिया है। सेम इसी तरीके से आप कटोरी पर भी रैप करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हमारे दोनों ही ग्लासेस दोनों रोटियों को रैप करके तैयार हो चुके हैं। अब हमें इन्हें लगभग 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, खुला छोड़ देना है, पंखे के नीचे रख दें या फिर ऐसे ही खुला छोड़ दें, जिससे कि थोड़ा सी ड्राई हो जाएंगी और उनकी जो शेप है ना, वो अपनी शेप को होल्ड कर लेंगे, क्योंकि जो चपाती हमारी पकी हुई हैं बहुत सॉफ्ट है तो उनको अपनी शेप को होल्ड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। जब हम आटे से डायरेक्ट बनाते हैं तो उनको शेप होल्ड करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, तो इसको हमें 10 मिनट के लिए ऐसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद में जो हमारी चपाती है वो पहले से थोड़ी ड्राई हो गई है, आपको क्रिस्पी सी नजर आएंगी, आप छूकर के देख लीजिएगा, थोड़ी ड्राई नजर आएंगी। इससे क्या है, अपनी शेप को ये काफी अच्छे से होल्ड कर लेती हैं। ये देखिए, काफी अच्छे से बन गई हैं। तो चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने नाश्ते की तरफ। मैं दो तरीके आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, एक तरीके में हम लोगों ने ऑयल को गर्म कर लिया है, मीडियम हाई फ्लेम पर हम ऑयल को गर्म करेंगे और अपने ग्लास को इसके अंदर हम लोग डिप कर देंगे। ध्यान रखिएगा, ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं, मीडियम फ्लेम आपको रखनी है और दोनों ही ग्लासेस आप एक साथ इसके अंदर रख देंगे। अच्छा, यहाँ पर आप लोग चाहें तो इसको डायरेक्टली बेक भी कर सकते हैं, बेक करने से भी अपनी शेप्स को ये काफ़ी अच्छे से प्रॉपरली होल्ड कर लेती हैं, आप इसको बेक भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इनको फ्राई कर लिया है, मीडियम फ्लेम पर हम इस तरीके से इनको फ्राई करेंगे। स्पून से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल हम इसके अंदर भी डाल रहे हैं, जिससे कि अंदर की तरफ से भी ये सिक जाएंगे। जब ये थोड़ा फ्राई हो जाएंगी, नीचे से थोड़ा क्रिस्पी सी होने लगेंगे, आपको अलग ही नजर आने लगेगा, हल्का सा कलर भी चेंज होगा, तब हम ग्लासेस को निकालेंगे। अभी हमें ग्लासेस को नहीं निकालना है, नहीं तो ये अपनी शेप को छोड़ देंगी और ठीक से अच्छी सी प्रॉपर शेप में नहीं आ पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको कभी ग्लासेस को निकालना है। तो लगभग 4 से 5 मिनट इनको लगेंगे अपनी शेप्स को होल्ड करने में। ये देखिए, इस तरीके से आप भी इसकी शेप्स को होल्ड करने के लिए फ्राई करते रहिएगा मीडियम फ्लेम पर, और थोड़ा थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर भी डालते रहिएगा, जिससे कि अंदर से भी सिकना स्टार्ट हो जाएंगे, ग्लासेस भी अपने आप ही हल्का हल्का सा निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए, जो ग्लासेस है वो अपने आप हल्का सा निकलना स्टार्ट हो गए हैं, आपको अपने आप दिखेगा, और रोटियों का कलर भी थोड़ा सा चेंज होने लगा है, नीचे से भी कलर चेंज हो गया है। तो बस हल्का सा हमने इसको पकड़ा और एक फोक की सहायता से इस तरीके से निकाल देंगे, बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। और आपने देखा, चपातियों ने अपनी जो शेप है इसको प्रॉपरली होल्ड करके रख लिया है, क्योंकि हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। अब हम इनको पलट करके नीचे से भी सेक लेंगे, लेकिन ध्यान रखना है आपको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है आपको, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको आज इसका नाश्ता बनाना सिखाऊंगी ना, उसमें हमें इसको दोबारा भी करना होगा, कुक करेंगे, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा फ्राई नहीं कर रही हूँ। अगर आप नॉर्मल चाट बना रहे हैं तो आप इसको अच्छे से प्रॉपरली फ्राई कर लीजिएगा, मैं इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करने वाली हूँ। तो लगभग 2 मिनट के लिए मैंने इनको फ्राई किया था, 2 मिनट के बाद में हल्का सा कलर चेंज हुआ है, बस इतना ही हमें इसका कलर चेंज करना है। और ये मैं सोचेगा कि ये जल गई हैं और इसका टेस्ट बेकार हो जाएगा, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, एकदम रोस्टेड सा फ्लेवर आता है इस तरीके से जब चपातियों को हम बनाते हैं, तो बहुत ही बढ़िया लगती है। तो दोनों ही चपाती की जो कटोरियां हमने बनाई हैं उनको निकाल करके बाहर रख लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी दोनों ही चपातियों की कटोरियां बन करके तैयार हो गई हैं। तो ये देखिए, हल्के से ठंडा होने के बाद में हम सीजर की सहायता से ये जो धागे हमने बनाए थे, ये धागे हम इसमें से कट करके अलग निकाल देंगे। ये देखिए, और आपको छूने से ही लगेगा कि आपकी जो चपाती है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गई है, और जबकि चपातियों का आटा मैंने लगाते टाइम बिल्कुल भी ऑयल घी वगैरह कुछ भी नहीं डालते हम लोग, बिल्कुल नॉर्मली लगाते हैं,
कुछ लोग घी डालकर लगाते हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल सिंपल लगाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही क्रिस्पी हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गई। देखिए ये दोनों ही कटोरियां हमने बना करके तैयार कर ली हैं। आप इनसे चाहे तो आप नॉर्मल चाट बना सकते हैं, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाली हूं कि आप इसे किस तरीके की चाट बनाकर तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा उबला हुआ आलू ले लिया था, उबले हुए आलू को इस तरीके से कट करके ले लिया है। यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ वो बच्चों बड़ों सभी को पसंद आता है और बनाना बहुत आसान होता है, इसको ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। साथ ही में हमने थोड़े से मूंग को उबाल करके ले लिया है और हल्का सा सॉल्ट भी इसमें ऐड कर दिया था, वो भी इसमें ऐड कर रहे हैं। मूंग की जगह पर आप काला चना उबाल करके वो भी ले सकते हैं, जो छोला होता है हमारा काबुली छोला वो भी ले सकते हैं, राजमा भी लिया जा सकता है या फिर आप नॉर्मल ऐसे भी ले सकते हैं। साथ ही हमने डाल दिया थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा इसमें ऐड कर दिया है, मसाले आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा काला नमक भी इसमें हमने ऐड कर दिया है और साथ ही में थोड़ा सा व्हाइट सॉल्ट ऐड कर दिया है। और हल्का सा तीखापन लाने के लिए हमने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, आप इसकी जगह हरी मिर्च को बारीक बारीक चॉप करके वो भी ऐड कर सकते हैं। और ये हमारी अंदर की स्टफिंग बनकर के तैयार हो गई है, एकदम आसान और एकदम इजी वाली। तो चलिए इसको स्टफ करके तैयार कर लेते हैं, साथ में आपको बताऊंगी कि आप इसमें और कौन कौन सी चीजें स्टफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले हमारी आलू और मूंग वाली स्टफिंग लगाएंगे और इसके अलावा आप इसमें जैसे नूडल्स बनाकर वो फिल कर सकते हैं, पास्ता बनाकर वो फिल कर सकते हैं। साथ ही में हमने थोड़ी सी मिक्सचर नमकीन जो होती है वो इसमें ऐड कर दी है, आप कोई सी भी नमकीन इसमें ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। और साथ ही में थोड़ा सा दही हमने लिया था, दही में हल्का सा हमने मीठा डाला है, यानी कि जो चाट का दही होता है वैसा बनाकर तैयार किया है, थोड़ा सा मीठा डाल करके, इससे बहुत टेस्टी लगता है। साथ ही में थोड़े से हरे धनिया की चटनी इसमें डाल दी है और इसी के साथ में इमली की चटनी। इमली की चटनी मैं हमेशा एक साथ में बना करके स्टोर करके रखती हूँ और धनिया की चटनी भी मैंने स्टोर करके रखती हूँ। आज ही मैंने इसका वीडियो अपलोड किया है, आप जरूर देखिएगा दोस्तों कि धनिया की चटनी को हम कैसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया इस पर ऐड कर दिया है, थोड़े से नायलॉन सेब डाल दिए हैं, नायलॉन सेब ना हो तो भुजिया नमकीन अगर आपके पास कोई सी भी है तो वो आप इस पर ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैं ऊपर से हमने डाल दिया टूटी फ्रूटीज, आप चाहे तो अनार के दाने से भी इसको गार्निश कर सकते हैं, मैंने इस तरीके से इसको गार्निश किया है। साथ ही मैं थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है, जिससे दिखने में भी खूबसूरत लगेगा, टेस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप लोग चाट नहीं बनाना चाहते हैं तो जो तरीका मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ वो तरीके से आप बनाइएगा तो बच्चों को बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी, बच्चों को क्या बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। तो आप जब कभी बच्चे कुछ अच्छा सा खाने के लिए मांगे ना तो आप ये रेसिपी बनाइएगा। तो कटोरी के अंदर हमने डाल दिया थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी कटी हुई शिमला मिर्च हमने डाल दी है, साथ ही में डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर, इसके साथ में बच्चों का फेवरेट टोमेटो केचप हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया है, आप चाहे तो पिज्जा सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चों को केचप ज्यादा पसंद होता है तो मैंने यही इसमें ऐड कर दिया है। अब इन सभी चीजों को एक बार मिक्स कर लेंगे, आप चाहें तो पहले किसी बोल में मिक्स करने के बाद में इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों एक बर्तन और करें, इसके अलावा हम इसके साथ में मिक्स कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा चीज, एक्चुअली बहुत सारा चीज डाला है मैंने, बहुत थोड़ा सा नहीं डाला क्योंकि बच्चों को चीजें बहुत ज्यादा पसंद होती है, तो चीज इसके ऊपर से हम स्प्रेड कर देंगे। और साथ ही में डाल देंगे थोड़ा सा ओरिगेनो और हल्का सा बिल्कुल थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसमें रेड चिली फ्लेक्स या फिर लाल मिर्च का पाउडर आप डाल दें, काली मिर्च भी डाली जा सकती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में थोड़ा सा नमक रख दिया है, उसके ऊपर हमने थोड़ी सी छोटी सी रिंग डाल दी है, कोई भी बर्तन वगैरह आप रख दें इसके अंदर, या तो ढक करके मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे इसको। 10 मिनट के बाद में हमारी कढ़ाई काफी अच्छे से प्री हीट हो चुकी है, बहुत ही गर्म है तो उसको बहुत ही आसानी से यानी निकालना है, ऊपर आप हाथ लगा करके देखेंगे तो काफी अच्छी हीट इसके ऊपर से आ रही है। इसके अंदर हम लोग रख देंगे एक प्लेट, बहुत ही सावधानी से आपको रखना है, इसके ऊपर हम लोग रखेंगे हमारी कटोरी को और उसको ढक करके हम लोग मीडियम हाई फ्लेम पर लगभग 7 से 8 मिनट के लिए बेक करेंगे, जब तक कि चीज पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता, जो सब्जियां हैं वो थोड़ी सी पक नहीं जाती, बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा क्रंची फ्लेवर अच्छा लगता है। लगभग 8 से 9 मिनट हो गए हैं और अब हम लोग निकाल कर देखते हैं, देखिए वाओ चीज पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है और इसके किनारे भी आप देख सकते हैं कि पहले से ज्यादा रोस्ट हो गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी और करारा है हमारा ये नाश्ता बनकर के तैयार हो गया है। तो चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं और ये देखिए बहुत ही गर्मा गर्म हमारा नाश्ता बनकर के तैयार हो गया है। तो आप इसको क्या नाम देंगे, कटोरी पिज्जा देंगे, रोटी वाला पिज्जा देंगे, पता नहीं जो भी आपको नाम अच्छा लगे वो आप रख लीजिएगा, बहुत ही टेस्टी। तो चलिए बस चीज भी पुल करके देख लेते हैं और कितना परफेक्टली हमारा चीज पुल हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। देखा आपने कितना आसान है ये नाश्ता बनाना, बच्चे कभी कभार पिज्जा की जिद करते हैं, डिमांड करते हैं, तो आप ऐसे बना करके उनको देख सकते हैं। तो आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करते हैं, मैं ऐसी अच्छी रेसिपीज आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। तो फिर से मिलेंगे कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास साफ सफाई रखिएगा और मास्क जरूर लगाइएगा। बाय बाय, थैंक यू।